जो हूँ किया नौकरी को ठुकरा के नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करने वाले है ना दो चार अपना जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग लाइन है अच्छा। मैंने दो चार गाड़िया भी खरीदी साठ से सत्तर लाख रूपए का लॉस किया अरे वाह मैं एक लाख रूपया माध्यम ऐसी पर मंथ की इनकम में पहुँच चुका हूँ और अभी तक की मेरी टोटल इनकम दो वर्ष में बीस लाख रूपए से ऊपर कई आने वाला समय जो रहेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग का रहेगा डायरेक्ट सेलिंग का रहेगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सीजन टू ऑफ वाई टी एम एस एल सक्सेस विध सक्सेसफुल लीडर्स की अद्भुत वीडियो सीरीज में दोस्तों जहां पर हम सुनेंगे वाई के टॉप लीडर्स को जिन लोगों ने कुछ नहीं से शुरुआत करके कैसे बहुत कुछ तक अचीव किया जो आज के डेट में हजारों और लाखों लोगों का सपना होता है तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो सीरीज की जहां पे हम सुनेंगे आश्चर्यचकित करने वाले सक्सेस स्टोरीज को और आज के इस वीडियो सीरीज़ में हमारे खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ से हमारे डायमंड अचीवर श्री शोभित राम वर्मा सर स्वागत है शोभित सर आप कहाँ कुछ सो शोभित सर आज इस इंटरव्यू में शामिल होकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप सर इस इंटरव्यू में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि तो ये मेरी लाइफ की पहली घटना है इस टाइप का इंटरव्यू मैं पहली बार दे रहा हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है अंदर से है न और मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ मेरे को ये इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है चलो बहुत बहुत धन्यवाद सोभित सर और कहीं ना कहीं ये अपने कर्मों का फल है क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा सच है वो यही है कि हमारा कर्म है और जो हम करते हैं वो लौट कर मिलता है और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग और वाई का चुनाव करके आप अपने आप को एक सेलिब्रिटी के रूप में एक सेलिब्रिटी बनने की राह में डायरेक्शन दे चुके हैं और उसका एक छोटा सा परिणाम आज का ये इंटरव्यू है जी जी सर जी सो सोभित सर हम शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से और हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि आपका जन्म आपकी शैक्षणिक योग्यता और कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए सर मैं वैसे तो मेरा जन्म जो है रावाभाटा में हुआ है और रावाभाटा रायपुर रायपुर में और मेरा जन्म कहना चाहिए जो पंद्रह ग्यारह उन्नीस सौ तिरासी की है ओके और मेरे कहना चाहिए तो परिवार का अगर मैं विवरण दूँ तो मेरे यहाँ पिताजी सर्विस में होते हुए भी मेरे को इस लाइन के लिए सजेस्ट किया अरे वाह जी, जी, जी। तो हमारी शैक्षणिक योग्यता हमारा कहाँ तक रही सोभी मैं जो हूँ एम किया हूँ अरे वाह मेरी नौकरी भी लेटर आया हुआ था लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया सर अच्छा यानी कि नौकरी को ठुकरा के नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करने वाले एक शानदार लीडर के आज इंटरव्यू आप तक पहुंचने वाला है निश्चित रूप से शुरुआत में ही आपको हुक मिल गया है कि ये इंटरव्यू कितनी खास होने वाली है जी सो सोभी सर हम जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत आपने कब की कब शुरुआत मैं डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत जो है सर आठ जुलाई दो को किया हूँ अच्छा है ना ज्यादा दिन नहीं हुआ है अभी नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए मैं भी सीख रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा ग्रेट यानी कि पहली बार आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और डायमंड अचीवर हो चुके जी, हैं जी 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 सर तो आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से काम शुरुआत करने के बाद 2022 तक आप डायरेक्ट सेलिंग तक पहुंचे तो हम चाहेंगे आपकी जीवन का वो संघर्ष का हो और सफलता का हो वो बेहतरीन जर्नी को हम लोग शॉर्ट में समझना चाहेंगे सोभित जी जी सर, सर इससे पहले मैं दो से ही यानी कि कहना चाहिए कमीशन एजेंट के रूप में काम किया सन सन से

तो ट्रेडिशनल का अनुभव नहीं था वहाँ पर मेरे को नुकसान झेलना पड़ा अच्छा मैं कहना चाहिए जो सर, बनाया हुआ था अपने कमीशन एजेंट के रूप में लोगों के लिए अर्जित किए थे अर्जित किया था वो पैसा को मैंने ट्रेडिशनल व्यवसाय में लगा के है ना उसको कहना चाहिए तो गंवा भी दिया तो कौन सा ट्रेडिशनल बिजनेस हमने शुरुआत किए अब ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसा है सर है ना दो चार अपना जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग लाइन है अच्छा। मैंने दो चार गाड़िया भी खरीदी है ना वहाँ भी मेरे को लाश का सामना किया अच्छा। और साथ ही साथ उसके साथ साथ एक गलत धंधा और कर डाला है ना जिसमे कहना चाहिए तो वहां का भी पैसा घुस गया गलत धंधा को मैं शायद समझ पा रहा हूँ कि शॉर्टकट शॉर्टकट है ना जहाँ हमको लगा कि पैसा जल्दी से जल्दी रातों रात बैठे बैठे मिलेगा दो गुना होगा तीन गुना होगा जी 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 आप ऐसे ही बोल सकते हैं शॉर्टकट के रास्ते में चला गया था तो जो बनाया था पूंजी में उसको करीब-करीब सोफी सर कितना का लॉस किए होंगे हम मैं करीब से करीब करीबी की समथिंग 60 से 70 लाख रुपए का लॉस किया अरे बाप रे यानी कि 60 70 लाख के नुकसान करने के बाद एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी करियर का चुनाव कर रहा है कहते हैं ना जो दूध का छला जला होता है वो छाछ को भी फुकर पीता है कुछ ऐसी ही कहानी हमें सोफी सर के लग रही है यानी कि आने वाले चर्चा में और बहुत ही दिल को छूने वाली पहलुओं को हम लोग स्पर्श करेंगे सो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज के हमारे डायमंड निश्चित रूप से एक हीरा कितना दबाव झेलने के बाद और कितने वर्षों के बाद बनता है वो कहानी आपको स्पष्ट होने वाली है। तो सोभी सर आपने 2022 को करियर शुरुआत किया पहले आप कमीशन एजेंट के रूप में करियर बनाए पैसा भी कमाए दौलत शोहरत नाम इज्जत बनाए उसके बाद आपने खुद की बिजनेस करने की रुचि जगाई जी, जी, खुद का बिजनेस किया बिजनेस में लॉस किया साठ सत्तर लाख का लॉस किया जी 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 जो छोटा मोटा लॉस नहीं होता छोटा मोटा लाश नहीं होता है और अनुभव बड़ा लेने के बाद आपने एक छोटे से नेटवर्क मार्केटिंग में करियर छोटे रूप में आपने शुरुआत जी 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 सो सर मैं आगे चर्चा में ये जानना चाहूँगा कि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग का आपने चुनाव किया है जी दो हजार बाईस में आप लोग आपने शुरुआत किया सो so, वाई आपकी पहली कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग में वाई टी मेरी पहली कंपनी है ओके और कहना चाहिए तो मेरे मेंटोर मेरे सामने ही है जिसके मार्गदर्शन में मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में अभी चल रहा हूँ मैं तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर इसके लिए थैंक यू जो आपने इसको सजेस्ट किया दोस्तों मैं आपको एक अनुभव बताना चाहूँगा शोभित सर और मेरा लगभग पुराने पंद्रह साल का रिश्ता है और रिश्ता उससे भी ज़्यादा का होगा लेकिन कम नहीं है निश्चित रूप से कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि गाँव का जोगी जोगड़ा यानी कि होता है ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं कुछ ऐसा ही कहानी हमारे शोभित सर के साथ हो गया क्योंकि वो मेरे बहुत ही करीब है मेरे दोस्त है मेरे मित्र हैं मेरे भाई है लेकिन होता यह है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं और जब कभी लगता है कि आदमी मुझे खुद का बिजनेस करता करना है तो खुद के बिजनेस में चूँकि कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग ना बॉस का डर ना लॉस का डर क्योंकि ये आपका जॉब नहीं है तो बॉस का डर नहीं है और यहाँ कोई बड़ा पूंजी नहीं लगता है तो लॉस का डर नहीं है लेकिन कैसे एक बहुत करीब व्यक्ति होते हुए भी कहते हैं ना कि आपके दोस्त यार आपके परिवार इस बिजनेस को हीन भावना से देखते हैं छोटी नज़र से देखते हैं वो नहीं समझ पाते हैं और इस कहानी से आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे लेकिन आपका कोई करीबी है जो इस व्यवसाय में बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है बड़ा करियर हासिल कर लिया है लेकिन फिर भी आप इस व्यवसाय को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप शोभित सर जैसे गलती मत कीजिएगा क्योंकि आज शोभित सर बहुत बड़े मुकाम पर होते लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है कि दो साल पहले उनको ये ध्यान आया और ये स्वीकार किए कि नहीं कमल जी जो कह रहे हैं अब मुझे स्वीकार करना चाहिए और उसके लाइफ ने टर्न लेना शुरू किया तो सर हम जानना चाहेंगे कि जब आप वाई इंडिया में हूं। और जैसे ही ज्वाइन किया हूँ मेरा पहले मंथ का जो इनकम है बारह हजार नौ सौ रुपए का था क्या टी एम से बहुत बहुत हो क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर है कि आज अगर आप 100 परसेंट संकल्पित भाव से समर्पित भाव से और सबमिशन होकर अपना वन थिंग अपना नीच क्लियर कर ले कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में करियर बिल्ड करना है तो पहले महीने भी आप दस बारह हजार रुपए के चेक ले सकते हैं ये सोबित सर अपनी अचीवमेंट को बता रहे हैं तो सोबित सर आज इस दो साल की जर्नी में वाई में कितना बड़ा आपका नेटवर्क साइज हो गया और कितनी बड़ी इनकम हो गई है और एक महीने का सबसे बड़ा चेक मेरा सर एक महीने का सबसे बड़ा चेक पाँच लाख छियालीस हज़ार है जो फरवरी महीने में मैंने डायमंड अचीवमेंट किया और उस डायमंड डायमंड अचीवमेंट करने के बाद मैं एक लाख रुपया वाई के माध्यम से पर मंथ की इनकम में पहुंच चुका हूं ग्रेट हाँ और अभी तक की मेरी टोटल इनकम बीस लाख समथिंग ऊपर है बीस लाख से यानी कि दो तो वर्ष में बीस लाख रुपए से ऊपर कई पर अगर एवरेज करें तो हम लोग पचहत्तर अस्सी हजार के इनकम है और आज मासिक इनकम लाख रुपए के एवरेज में एवरेज में में है सर तो सो भी सर हम जानना चाहेंगे कि आज आप आठ दस हजार का प्रोडक्ट खरीदी करके इस व्यवसाय में बीस लाख रूपए कमा लिए जी जी और आज मासिक इनकम एक लाख रूपये पहुंचे जी 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 तो क्या आप जो बताए की एक महीने में आपका पांच लाख कुछ बड़ा क्या चेक था आपका डायमंड कितना बड़ा होगा जो पांच लाख छियालीस हजार पांच लाख छियालीस हजार तो जो आपने ट्रांसपोर्टिंग का या अन्य व्यवसाय किया जिसमें आपने 50, 60, 70 लाख रुपए कमाए तो निश्चित रूप से आपने शुरुआती दौर में भी 20, 25 लाख रुपए लगाए होंगे जी 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 क्या कभी उस व्यवसाय से महीने का पाँच लाख रुपए कमाए थे नहीं उस व्यवसाय से मैं यानी पाँच लाख कमाया नहीं मैंने कभी चालीस पचास हजार रुपया अर्निंग आता था बाकी तो उसी का यानी पैसा उसी में घुस जाता था ओके हाँ, तो वहाँ मेरे काम समझ में नहीं आया उस काम को मैंने ड्राप किया और ड्राप करके फिर सीधा मैं आपके सानिध्य में आया और इस बिजनेस को स्वीकार किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा फील्ड का अनुभव था जानकारी था तो इस काम को किया जा सकता है ऐसे करके अपने को है ना एक ही यानी कि नारा था कि अब इस फील्ड के माध्यम से वाई के माध्यम से वाई इंडिया के माध्यम से हमको आगे बढ़ना है और आगे करियर लेना है और जो चीज़ अपने हमने गवाया है इस बीच में उसको हमको यहाँ से प्राप्त करना है कहीं ना कहीं आपको चुनाव इसलिए भी किए कि ये जोखिम तो जो आप, हो हो जी, जी, जी। so, आप सब लोगों के लिए मैसेज है अगर आप किसी बिजनेस में निपुण नहीं है तो किसी को देख कर बड़ी पूंजी लगाकर कोई बिजनेस करने से पहले मैं ये कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में एक छोटी पूंजी लगाकर कैसे बड़ा इंटरप्रन्य बन सकते हैं कैसे लखपति करोड़पति बन सकते हैं यहाँ से आप अपना एक बिजनेस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं क्योंकि यहाँ ना बॉस का डर है ना लॉस का डर है सो so, जिंदगी बिल्कुल यू टर्न ले ली है और सोबिस सर आप आई थिंक अब एक बहुत बड़ी करियर एक बहुत बड़ी दुनिया को महसूस कर पा रहे होंगे जी बिल्कुल सर बिल्कुल ना आपसे पूछना चाहूँगा कि अब वाई इंडिया जो आपको इतनी बड़ी करियर दे रही है आपको तो वाई इंडिया आपके लिए तो बेस्ट हो ही गई है जी है ना बिल्कुल तो और जो नेटवर्क मार्केटर्स जो डायरेक्ट सेलर्स अन्य कंपनी कर रहे है, ये हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है और सालों से वो कभी वो पचास हजार आठ साल दस साल से काम कर रहे हैं लेकिन पचास हजार एक लाख रुपए की भी इनकम कर पा जी, जी, जी. और मैं दो साल में आपने पहला चेक पांच लाख चालीस हजार का भी बना लिया जी 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 सो so, आपके नजर में वाई बेस्ट है वो कैसे है ऑडियंस को बताइए वाई वाई टी एम इज़ बेस्ट वाई वाई टी एम इज़ बेस्ट है इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ का जो प्रोडक्ट है है ना वो इतना कहना चाहिए तो सस्ता भी है और रिजल्ट भी है क्योंकि मैं अगर फील्ड में जाता हूँ तो पहली चीज़ है प्रोडक्ट को फोकस करता हूँ क्योंकि अगर प्रोडक्ट हमारा दम है तो हम आगे जाके इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है ना मैं बताना चाहूँगा कि इतना ब्रांड है और सस्ता भी है और कहने चाहिए तो रिजल्ट का मामला मिले किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा के किसी भी को दे देना है ना आना? गारंटी है कि रिजल्ट आएगा और मैंने एक चीज़ देखा है कि मैंने जहाँ भी जिसको भी डील किया है है ना वो घूम फिर के दो महीना चार महीना में घूम फिर के ज्वाइन करना नहीं करना है क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया और प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जब रिजल्ट लिया तो उसका माइंड हुआ और उन्होंने काम करने के लिए तैयार हुआ आज इसी का देन है कि इतने कम समय में मैं इतना बड़ा उपलब्धि में इस वाई इंडिया के माध्यम से पहुँचा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस व्यापार को पाँच हज़ार दस हज़ार से स्टार्ट होता है एक बार आप जिंदगी में एक बार आपको ख़रीदी करना है लाइफ में एक बार खरीदी करना है और एक बार खरीदी करके आपको इस व्यापार को है ना बड़ा बना सकते हैं और अपने इनकम को भी आप बड़ा बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को मैं देखा हूँ कि छोटा माइंड सेट का रहता है छोटा सोच कर रहता है और मैं अपनी जर जनिंग सर को बताया हूँ कि इतने अधिक कर्जम होते हुए भी मैं इस व्यापार को किया हूँ है ना फिर भी आज आज भी मैं हूँ कर्जे में हूँ लेकिन इस व्यापार के माध्यम से है ना इस काम को मेरे को बड़ा करना है क्योंकि इस काम के माध्यम से मैंने लोगों को बनते हुए देखा है देखा है बनते हुए तो मेरा एक ही सोच है कि मुझे भी इस लाइन में है ना वाई इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में अपने करियर को बनाना है और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग को वो एक बार जो है आप हम लोगों से मिल सकते हैं और इस यहाँ पर करियर का चुनाव कर सकते बहुत ही शानदार सुबह सर और कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से सफलताओं की बहुत ही बड़ी लड़ी लगी हुई है यानी कि आज आप डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग के बैनर तले हज़ार पति नहीं लखपति नहीं करोड़पति नहीं अरब पति नेटवर्क मार्केटर्स को भी देख सकते हैं यानी कि कहते हैं ना कि ये दुनिया जो है वो आपके मेहनत को नहीं आपके परिणाम को आपके नतीजे को अवार्ड देती है और ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से ओबी सर कहे कि वाई के प्रोडक्ट के रिजल्ट है वाई के प्रोडक्ट के परिणाम है और ये दुनिया तो सलाम केवल परिणाम को ही करती है मेरे दोस्त ये दुनिया तो रिवार्ड केवल परिणाम को ही करती है तो आप भी अगर एक बेहतरीन कंपनी की तलाश में हैं और आपको लगता है कि शानदार प्रोडक्ट शानदार मार्केटिंग प्लान और शानदार एजुकेशन सिस्टम ये त्रिवेणी संगम किसी एक कंपनी में आपको मिल जाए तो आपको वाई इंडिया के लीडर से मुलाकात करनी चाहिए और वाई इंडिया की संपूर्ण जानकारी आपको लेनी चाहिए सो so, अंतिम में सो भी सर मैं चाहूंगा कि इतनी बड़ी व्यवसाय है जो दिखता तो बहुत छोटा है लेकिन जब आप इसमें शामिल हो जाते हो समय बिताते हो तो आप खुद देखते हो कि कैसे 200, सौ पाँच सौ हजार दस हज़ार रुपये से शुरू हुआ एक पे आउट बहुत कम समय में कैसे लाख पाँच लाख दस लाख रुपए तक पहुंच जाता है तो आज की यूथ जो है कहीं कही ना कहीं हमारे देश में भी आज हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आप जॉब लेने वाला नहीं जॉब देने वाला बनी आत्मनिर्भर का ये स्लोगन इतना उच्च स्तर पे जा चुका है कि हर व्यक्ति आज मैं मैं भी सेल्फ मेड बनना चाहता है तो मैं आपके इस अनुभव से आपकी इस उपलब्धि से मैं एक मैसेज चाहूंगा हमारे ऑडियंस के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग चाहे वो कोई भी कंपनी हो लेकिन आज के डेट में बहुत ही ओपन माइंड से बहुत ही खुले विचार से बहुत ही खुले दिमाग से चाहे वो एक विद्यार्थी हो जो अपना बारहवीं पास कर लिया है या ग्रेजुएशन कर लिया है जो अपनी करियर की तलाश कर रहा है चाहे वो एक सेल्फ एम्प्लॉई हो चाहे वो एक एम्प्लॉय ही क्यों ना हो क्योंकि वो अपने जीवन को तो काट रहा है लेकिन अपनी ड्रीम लाइफ को नहीं जी पा रहा है तो क्यों हर व्यक्ति को आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए इस इसमें आपका दो मिनट का एक शानदार मैसेज चाहूँगा मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है क्योंकि आने वाला जो समय है बेरोजगारों का समय रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना रोज़गार नहीं है जो लोगों को दे सके क्योंकि उनके पास रोज़गार की संख्या इतना हो जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब रहते हुए भी उनको नहीं दे पाएंगे तो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाला अभी जो समय है टेक्नोलॉजी का समय है है ना लोग आज जहाँ पर मजदूर काम करते थे वहाँ पर आज विज्ञान काम करना चालू कर दिया तो सीधी सी बात है कही कहीं ना कहीं बेरोज़गारी हाथ में लगना है तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय जो रहेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग का रहेगा डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग का रहेगा जिसमें आप लोगों को आज नहीं तो कल मजबूर होकर आना पड़ेगा और ये ज़्यादा दिन नहीं है पाँच से दस साल के भीतर में लोग इसको समझना चालू कर देंगे और यहाँ पर आना चालू कर देंगे इससे फ़ायदा ये रहेगा कि यहाँ पर कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी काम कर सकता है और पढ़े लिखे व्यक्ति भी काम कर सकता है हमने यहाँ पर कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी बनते देखा है और पढ़े लिखे व्यक्ति को भी बनते देखा है बस सरती हुई है कि उनका लक्ष्य उनका ड्रीम उनके साथ होना चाहिए क्योंकि ये ड्रीमर लोगों काम ड्रीमर लोगों का काम है और जिसका खून गर्म है उनका काम है क्या बात है शोभित सर बहुत शानदार ये बिज़नेस है ड्रीमर्स का इस बिज़नेस में आपका ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो आपका ड्रीम ही होगा और अगर आपका खून गर्म है तो ये बिजनेस आपके लिए है सो दोस्तों आज इस इंटरव्यू इंटरव्यू को बहुत ही शानदार बना दिया है शोभित सर ने और आपका अनुभव निश्चित रूप से शोभित सर वो तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने बिजनेस में बड़ा पूंजी खोया है उन सब के लिए एक मैसेज होगा कि वो भी अब डायरेक्ट सलीम जो जोखिम रहित व्यवसाय है वो अपनी करियर की शुरुआत करें सो दोस्तों आगे और इंटरव्यू आप चाहते हो जो आपकी करियर के लिए एक किक दे और आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी करियर बनाए तो मैं चाहूंगा बताना होगा और आप अपने प्रियजनों में में अपने दोस्त में, अपने दोस्त यार में इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि उन तक भी ये शानदार हमारी इनिशिएटिव पहुंचे और वो भी 21वीं सदी की सबसे ताकतवर व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बने नमस्कार